हैं खबरों का। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का फिर से नजर आएगा असर। मौसम विभाग के अनुसार 26 और 27 फरवरी को बारिश के आसार बन रहे हैं। प्रदेश के कुछ इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ नजर आएगा और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। शाम के समय आपको हल्की ठंडी हवाएं महसूस होने लगी है और देर रात होते होते ये हवाएं ज्यादा तीखी महसूस होने लगती है, ज्यादा सर्द हो जाती है। दरअसल बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बूंदाबांदी होगी और फिर 1 और 2 मार्च को सक्रिय होगा मानसून। पश्चिमी विक्षोभ इसमें नजर आ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मार्च के प्रथम सप्ताह में बारिश होगी। राज्य के कुछ भागों में तेज हवाओं और मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी और ऐसे में एक बार फिर से तापमान में गिरावट आएगी, क्योंकि जाती हुई सर्दी कहा जाता है कि अब फरवरी का लगभग अंतिम दौर चल रहा है। ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से एक्टिव होगा और पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही 26 और 27 फरवरी को बारिश के आसार भी बन रहे हैं। कुछ इलाके हैं प्रदेश के, पूरा प्रदेश तो नहीं, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का असर यहां पर नजर आ सकता है। बादलों की आवाजाही होगी और हल्की बूंदाबांदी होगी। फिर 1 व 2 मार्च को सक्रिय होगा मजबूत पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि अभी 26 और 27 को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। बारिश की गतिविधियां बन सकती है, ठंडी हवाएं चल सकती है, अभी चल भी रही है, शाम होते होते महसूस भी होती है, लेकिन फिर 1 और 2 मार्च को सक्रिय होगा मजबूत पश्चिमी विक्षोभ। ये ज्यादा मजबूत होगा कंपैरेटिवली 26 और 27 के पश्चिमी विक्षोभ के। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मार्च के प्रथम सप्ताह में बारिश होगी। जो पहला सप्ताह रहेगा मार्च का, उसके प्रथम सप्ताह के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का असर 1 और 2 तारीख को रहेगा, तो संभवतः 3-4 और पहले लगभग पूरे ही 1 सप्ताह तक बारिश होगी और बारिश भी होगी, तापमान में गिरावट होगी। राज्य के कुछ भागों में तेज हवाओं मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी। ऐसे में एक बार फिर से तापमान में गिरावट नजर आएगी। झालाना वन क्षेत्र में लेपर्ड प्रोटेक्शन पुख्ता करने व अपराध रोकने की पहल की जा रही है। पीसीसीएफ और सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू पवन उपाध्याय के आदेश पर रात्रि गश्त शुरू की गई है। ये कोशिश की जा रही है प्रोटेक्शन के लिए, लेपर्ड प्रोटेक्शन पुख्ता करने और वन अपराध रोकने की पहल है। इसके अंतर्गत पीसीसीएफ और सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू पवन उपाध्याय के आदेश पर रात्रि गश्त शुरू करने की बात और साथ ही झालाना वन क्षेत्र में जब सघन रात्रि गश्त शुरू होने की बात सामने आई, सभी ने सराहा, क्योंकि सहायक वनपाल व 3 अन्य कार्मिकों को नियमित गश्त करने के आदेश दिए गए हैं। ये सघन रात्रि गश्त है, यानी कि रात में भी मॉनिटरिंग की जाएगी। ऐसे में जगतपुरा, खूना गोरियान, टूडी रमजानी, झालाना हरि सिंह भूमिया मंदिर और चूलगिरी तक सघन रात्रि गश्त ये कार्मिक करेंगे। जो कार्मिक इसके लिए अपॉइंट किए गए हैं, जो रात्रि गश्त पर रहेंगे, वो इस रूट से जिसमें जगतपुरा होगा, खूना गोरियान होगा, टूडी रमजानी होगा, झालाना हरि सिंह भूमिया मंदिर होगा और चूलगिरी तक ये सघन रात्रि गश्त लगातार की जाएगी। वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति इस इनिशिएटिव के दीर्घगामी परिणाम भी दिखेंगे, क्योंकि कई बार कहा जाता है दिन में तो गश्त हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है तब सारे फिर वन्य जीवों की बात के लिए तो वो बाहर निकल आते हैं, रहवासी इलाकों में घुस जाते हैं, या फिर कई दफा ये भी नजर आता है कि जब वन्य जीव वहां से गायब होने लगते हैं, शिकार उनका होने लगता है, शिकारी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। कुल मिलाकर के हर एक गतिविधि पर नजर इस दौरान रखी जाएगी। डीसीएफ जगदीश गुप्ता सतत मॉनिटरिंग कर सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू को नियमित फीडबैक देंगे। एसीएफ रेंज अधिकारी और अन्य स्टाफ को भी नियमित फील्ड विजिट के निर्देश दिए जाएंगे। तो वही प्रदेश की पहली लैंड पुलिंग स्कीम को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीए ने स्कीम का ड्राफ्ट प्लान जारी किया है। इस प्लान को आप लेकर दी जा सकेंगे आपत्ति और सुझाव। आगामी 30 दिनों के भीतर इसमें आपत्ति और जो सुझाव है वो दिए जा सकेंगे, यानी कि 1 महीने के भीतर अगर आपत्तियां हैं तो आपत्तियां और अगर इसमें सजेशंस हैं तो सुझाव भी दिए जा सकेंगे। पुरानी टॉक रोड पर ग्राम शिवदासपुरा, चंदलाई और बरखेड़ा में प्रस्तावित है करीब 163.5 हेक्टेयर भूमि पर लैंड पुलिंग स्कीम। 40 फीट से लेकर 200 फीट चौड़ी सड़कें भी इसके लिए प्रस्तावित की गई है और ड्राफ्ट के अनुसार खातेदारों को भूमि मिल सकेगी। 46.60% विकसित भूमि बतौर मुआवजा मिल सकेगी। नीलामी के लिए जेडीए को मिलेगी 10% भूमि। मास्टर प्लान में स्कीम के अधिकतर भूमि का भू उपयोग आवासीय किया गया है और उसके अलावा रिक्रिएशनल और सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक उपयोग भी है, और उपयोग स्कीम को धरातल पर उतारने में जितना भी खर्च होगा उसमें भूमि के खातेदारों से भी हिस्सेदारी लेने का प्रावधान रहेगा। फरवरी में भारत ही नहीं बल्कि यूरोप में भी किसान सड़कों पर हैं। जी हां, भारत की तरह ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर किसान यूरोप में भी निकल पड़े हैं।
नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, आयरलैंड, इटली और पुर्तगाल, यूरोप के तमाम देशों में किसानों के प्रदर्शन इस समय चल रहे हैं। किसानों ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के मुख्यालय का घेराव किया और किसानों ने यूरोपीय संसद भवन पर भी अंडों की बारिश कर डाली। जर्मनी के बर्लिन में भारत जैसे ट्रैक्टरों की कतार नजर आई और जो नजारा था वो भारत जैसा दिखाई दिया। किसान यहां पर भी एकजुट हुए, लामबंद हुए। फ्रांस में हाईवे को जाम किया, राष्ट्रपति मैक्रों के आवास के बाहर सड़कों को रोक दिया। दरअसल इस समय पूरी दुनिया में आंदोलन की राह पर किसान और मजदूर हैं। अपने अपने हक की बात को लेकर अपनी मनोस्थिति की वजह से अब जब सड़कों पर निकल गए हैं तो भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी जो किसान हैं उन्होंने ट्रैक्टरों का सहारा लिया है और वहां पर भी पूरे साथ में एक साथ लामबंद होकर के अपनी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर किसान नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय का बड़ा सामाजिक राजनीतिक मुकाम। 2023 में गठित शुक्रे कमीशन की रिपोर्ट के आश्चर्यजनक तथ्य। दिसंबर 2023 में कमीशन बना, 15 फरवरी 2024 को रिपोर्ट आई। आयोग ने प्रकाश से भी तेज रफ्तार के साथ अपना काम किया और सिर्फ 11 ही दिनों में 2 करोड़ लोगों का सर्वे कर लिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सर्वे में शामिल लोगों का आभार भी जताया है। इस सर्वे में 3.5-4 लाख लोग शामिल होने का दावा किया गया। दरअसल महाराष्ट्र ने इस दौरान पूरे देश को बताना चाहा कि सर्वे किस रफ्तार से किया जाता है और जो राज है इतनी रफ्तार से सर्वे करने का, प्रकाश तेज से भी तेज रफ्तार इसकी कही जा रही है। महाराष्ट्र के समाज में ब्राह्मणों के बाद भी मराठाओं का स्थान और मराठा भी उतने ही गरीब जितने ब्राह्मण, ऊंची व अन्य जाति के लोग हैं और इसको लेकर के लगातार इसको लेकर कोशिश की जा रही थी। सर्वे जल्द से जल्द किया गया और फिर उसके बाद में एक माइलस्टोन इस सर्वे को जल्द से करके हासिल किया।